हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू यूट्यूब चैनल ऑफ ज्ञान तृप्ति कॉलेज। बीएससी सेकंड ईयर स्टैटिक्स एंड बेसिक्स ऑफ थर्मोडायनेमिक्स को कंटिन्यू करते हैं। पेपर फर्स्ट है, यूनिट फर्स्ट और सेकंड मिक्स्ड टॉपिक चल रहे हैं, ठीक है। तो कल लास्ट लेक्चर तक हम स्टैटिक्स को पढ़ रहे थे। तीन स्टैट आपके सिलेबस में और तीन होती है, मैक्सवेल बोल्ट्जमैन स्टैटिस्टिक्स, बोस आइंस्टीन स्टैटिस्टिक्स एंड फर्मी डिराक स्टैटिस्टिक्स। मैक्सवेल बोल्ट्जमैन और बोस आइंस्टीन हम कर चुके हैं, आज हम फर्मी डिराक करते हैं। इसको हिंदी में बोलते हैं फर्मी डिराक सांख्यिकी, ठीक है, और इंग्लिश में फर्मी डिराक स्टैटिस्टिक्स, ठीक है। तो जैसे वो होते हैं, जैसे वो वाली स्टैटिक्स हमने की थी वैसे ही इसको करेंगे। जैसे उनमें हमने पॉइंट्स को किया था, अजम्पशंस पढ़े थे, पहले पोस्टुलेट्स पढ़े थे, वैसे ही इसके अंदर पढ़ेंगे। फिर आगे इसकी जैसी थर्मोडायनेमिकल प्रोबेबिलिटी आती है उस हिसाब से अपने इसको सॉल्व करते हैं। सॉल्व करने का तरीका सबका सेम था, जिस तरीके से मैंने मैक्सवेल बोल्ट्जमैन सॉल्व की थी सिमिलर तरीके से मैंने बोस आइंस्टीन सॉल्व की, और उसी तरीके से आज हम फर्मी डिराक सॉल्व करेंगे, ठीक है। जो मैक्सवेल बोल्ट्जमैन स्टैटिक्स थी, एमबी स्टैट थी, उसको मैंने क्या बताया था कि वो एक क्लासिकल स्टैट होती है, बताया था ना मैंने आपको। और जो बोस आइंस्टीन है प्लस फर्मी डिराक, इन दोनों को क्वांटम स्टैटिक्स बोलते हैं। जो क्लासिकल स्टैट थी उसको क्लासिकल स्टैट क्यों बोला, क्योंकि उसके अजम्पशन ही क्लासिकल फिजिक्स जैसे थे कि पार्टिकल का स्पिन कुछ भी हो सकता है, कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन बोस आइंस्टीन ने पार्टिकल्स बोसॉन्स लिए थे और बोसॉन्स का स्पिन उसने कैसा बोला था, बोस आइंस्टीन ने, स्पिन कैसा हो, इंटेग्रल स्पिन हो, प्लस वो कैसे हो, इनडिस्टिंग्विशेबल पार्टिकल्स हो। उन पार्टिकल्स को बोस आइंस्टीन ने दिया था ऐसे पार्टिकल्स के लिए, तो उन्होंने उसी का नाम क्या दिया था, अपने ही नाम पे बोसॉन्स। और बोसॉन्स के एग्जांपल्स मैंने आपको बताए थे फोटोन और फोनोन, ठीक है। और इनके जो स्पिन है या इनकी डिस्टिंग्विशेबिलिटी है या इनडिस्टिंग्विशेबिलिटी है, ये सब डिफाइंड है। एलिमेंटल पार्टिकल एक पूरा टॉपिक लगता है, उसके अंदर ये सब कुछ आता है। इन सब पार्टिकल्स के बारे में हम पढ़ते हैं, चाहे जितने भी पार्टिकल्स आपने सुने हुए हैं, बोसॉन सुने आपने, अब फर्मियोन्स आएंगे, और जितने इलेक्ट्रॉन न्यूट्रॉन्स प्रोटॉन्स जितने भी कल हम सुन चुके हैं, उन सबके बारे में जिनमें पढ़ते हैं उसको हम एलिमेंट्री पार्टिकल फिजिक्स बोलते हैं। तो वो भी अलग से पूरी एक फिजिक्स का एक टॉपिक है जो आपके सिलेबस में नहीं है, और ये मास्टर्स में आता है, तो तब आप करोगे अगर आप एमएससी फिजिक्स में करोगे। तो फर्मियोन्स, अगर बोस आइंस्टीन भी एक क्लासिक क्वांटम स्टैटिस्टिक्स है और फर्मी डिराक भी एक क्वांटम स्टैटिस्टिक्स है, क्यों, क्योंकि अजम्पशंस क्वांटम फिजिक्स के जैसे हैं। तो आप इसको अपने सॉल्व करते हैं, ठीक है। पेपर में क्लासिकल स्टैटिस्टिक्स कभी लिख के नहीं आता, आपको पता होना चाहिए कि ये क्लासिकल फिजिक्स के फॉर्म में चलती है, मतलब क्लासिकल फिजिक्स के अजम्पशन लेके चलती है मैक्सवेल बोल्ट्जमैन, और ये दोनों क्वांटम फिजिक्स के अजम्पशन लेके चलती है, ठीक है। तो ये इनमें फर्क है, जब इनमें डिफरेंसेस लिखने आते हैं आपके पेपर में, ये क्वेश्चन भी आ सकते हैं कि फर्मी डिराक, बोस आइंस्टीन और मैक्सवेल बोल्ट्जमैन में अंतर लिखो, तो उस टाइम में आपके लिए ये पॉइंट्स भी यूज आएंगे। लेकिन अभी आपके पेपर में ऐसा नहीं आएगा कभी भी कि क्वांटम स्टैटिस्टिक्स को एक्सप्लेन करो, तो ऐसा नहीं आता, पूरा नाम लिख के आता है। बोस आइंस्टीन को इसका एक और नाम भी था, बोस आइंस्टीन वितरण का नियम या बोस आइंस्टीन सांख्यिकी, उसी तरीके से इसको बोलते हैं फर्मी डिराक सांख्यिकी, ठीक है। तो फर्मी डिराक करते हैं, इसका पहला अजम्पशन, पहला अजम्पशन इसका भी वही था कि इसने भी कैसे लिए पार्टिकल, कैसे लिए, इनडिस्टिंग्विशेबल, मतलब इनडिस्टिंग्विशेबल पार्टिकल मतलब कैसे कण, अभेद्य कण, अभेद्य कण मतलब अगर काफी सारे अलग अलग पार्टिकल्स को उठा के हम एक बॉक्स में डाल दें, तो कुछ टाइम के बाद बॉक्स के अंदर सारे पार्टिकल्स डालने के बाद आप किसी पर्टिकुलर पार्टिकल को ये नहीं बता सकते कि ये वाला कण था, अभेद्य कण मतलब डिफरेंस क्रिएट नहीं कर सकते, ठीक है। तो ऐसे पार्टिकल्स को क्या बोलते हैं, इनडिस्टिंग्विशेबल पार्टिकल। दूसरा अजम्पशन इसका क्या था, पार्टिकल कैसे हो, आइडेंटिकल, आइडेंटिकल पार्टिकल्स मतलब जो कण लिए हैं उसका क्या है, एग्जिस्टेंस में है। तीसरी चीज क्या होती है, स्पिन, स्पिन इसने कैसा लिया था, हाफ ओड इंटीग्रल, मतलब
अर्ध विषम गुणांज गुण अर्ध विषम गुणज, मतलब अर्ध विषम गुणज मतलब अपॉन में अर्ध का मतलब हाफ आएगा, विषम का मतलब और नंबर आएंगे, यानी कि 3/2, 1/2, 5/2 एंड सो ऑन। इस टाइप के इनके क्या हो, इंटीग्रल, इनके स्पिन्स हो। कैसे स्पिन्स हो, अर्ध का मतलब आधा, यानी कि अर्ध के हिसाब से कैसा आएगा, हाफ 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 सबके अपॉन में आएगा, और इंटीग्रल यानी कि कैसा हो, विषम का मतलब क्या हो, 3/2, 5/2, 7/2, यानी कि अगर मैं 2/2 लूं, अगर ये अर्धगुणज ही होता विषम के बजाय, 2/2 से कट के ये अपने आप 1 हो जाता, तो फिर इंटीग्रल ही हो जाता ना, स्पिन चेंज नहीं होते, जैसा हम बहुत साइंस टी ने मानी थी वैसे ही स्पिन रह जाती ना। कैसे, ये चीज मैं आपको वापस बताती हूँ। देखो, अगर इसने अर्ध विषम गुणज लिया, उसका मतलब कैसा हुआ, स्पिन कैसा हो, पी बाई क्यू की फॉर्म में, वो भी कैसा, क्यू की जगह हमेशा 2 आएगा। देखो कैसे, कि अगर यहाँ पे ये विषम अर्धगुणज ही लेता, अर्धगुणज, ठीक है, तो उसका मतलब अपॉन में 2 आता, 3/2 के अपॉन में भी 2 आता, 4/2 के अपॉन में भी 2 आता, तो ये कट के 2 रह जाता और यहाँ पे कट के 1 हो जाता, तो पार्टिकल्स कैसा स्पिन हो जाता, इंटीग्रल स्पिन हो जाता, इसीलिए इसका पर्टिकुलर स्पिन लिया गया अर्ध विषम गुणज, ठीक है। हाफ ऑड मल्टीप्लायर्स, इंटीग्रली मल्टीप्लायर आएगा इधर, अर्ध विषम गुणज। चौथी चीज, देयर इज नो रिस्ट्रिक्शन फॉर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पार्टिकल, यानी कणों के वितरण में किसी प्रकार का कोई प्रतिबंध नहीं लगाया गया। वापस से देखते हैं, मैक्सवेल, बोल्ट्जमैन, बोस, आइंस्टीन, फर्मी डिराक, को तीनों को लेके चलते हैं। बोस, आइंस्टीन और मैक्सवेल, फर्मी डिराक की पहली अजम्पशन सेम है कि पार्टिकल कैसे हो, इनडिस्टिंग्विशेबल हो। दोनों ने सेम माना कि कण कैसे हो, अभेद्य, लेकिन मैक्सवेल बोल्ट्जमैन ने इसके उल्टा लेके चला था। वो कैसी स्टैटिस्टिक्स थी, क्लासिकल फिजिक्स के अकॉर्डिंगली थी। उन्होंने कण कैसे लिए थे, डिस्टिंग्विशेबल यानी भेद्य कण लिए थे, है ना। दूसरी चीज क्या थी, ये सब में सेम है कि पार्टिकल आइडेंटिकल हो, मतलब जिन पार्टिकल्स की बात की जा रही है वो पार्टिकल एग्जिस्टेंस में है, ठीक है। और चौथी तीसरी चीज क्या है, पार्टिकल्स का स्पिन कैसा हो, हाफ इंटीग्रल और मल्टीप्लायर हो। ये किसने लिया, फर्मी डिराक ने। फर्मी डिराक को मैं एक मिनट रुको यहाँ पे लिखते हैं, अपने एफ डी लिख देती हूँ। फर्मी डिराक ने क्या लिए, हाफ ओड मल्टीप्लायर, ठीक है। और जो बोस आइंस्टीन है उसको मैं बी ही लिख रही हूं, उसने कैसे लिए, इंटीग्रल पूर्णांक। और जो मैक्सवेल बोल्ट्जमैन है उसमें स्पिन कैसे लिया, एनीथिंग, कुछ भी हो सकता है, उसके अकॉर्डिंग स्पिन का पर्टिकुलर कुछ लेना देना नहीं है पार्टिकल्स के डिस्ट्रीब्यूशन में। कैसे मर्जी स्पिन के पार्टिकल ले लो, और पार्टिकल के डिस्ट्रीब्यूशन में किसी तरीके की कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं। तो ये पोस्टुलेट्स आपको हर स्टैट में लिखना जरूरी है, इन्हीं के आपको नंबर मिलेंगे, ठीक है। तो अब सेम प्रोसीजर की हमारे पास एक सिस्टम है जिसके अंदर एन नंबर ऑफ पार्टिकल्स हैं, ठीक है। अब उस सिस्टम को क्या किया हमने, सेल्स में डिवाइड कर दिया, तो हर एक सेल एक सिस्टम की तरह काम करेगी। मान लिया उस बड़े सिस्टम को 1, 2, 3, 4, 5, 6 सेल्स के अंदर डिवाइड किया है, तो हर एक सेल के अंदर, मान लिया पहले सेल के अंदर हमने N1 कण डाले, दूसरे के अंदर N2 कण डाले, तीसरे के अंदर N3 कण डाले, एंड सो ऑन, पार्टिकल्स भी डाल दिए उन सेल्स के अंदर। अब पहली सेल की ऊर्जा E1 है, दूसरी सेल की ऊर्जा E2 है, तीसरी सेल की ऊर्जा E3 है, एंड सो ऑन। जो पहली सेल की डिजेनरेसी है वो G1 है, दूसरी सेल की डिजेनरेसी G2 है, तीसरी सेल की G3 है, एंड सो ऑन, ठीक है। अब अपने को पता है कैपिटल N के टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल्स हमें पता है वो क्या रहेंगे, कॉन्स्टेंट रहेंगे। और जी आई डिजेनरेसी भी अपने को पता है, हम कितनी सब सेल्स उस सेल के अंदर बना रहे हैं। जैसे इस सेल के अंदर मैंने 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4 सब सेल्स बनाई, तो मुझे 4 पता है वो कितनी बनी है, तो उस सेल के लिए वो 4 नंबर कॉन्स्टेंट ही रहेगा। जितनी अपने डिजेनरेसी है, जितने सब सेल्स बनाए उनकी नंबर तो चेंज नहीं होंगे, तो जी आई भी क्या होता है, कॉन्स्टेंट होता है। लेकिन एक सेल के अंदर हमें कितने पार्टिकल्स डालने हैं ये कभी भी कॉन्स्टेंट नहीं होता, तो Ni इज नॉट इक्वल्स टू कॉन्स्टेंट। एक चीज और आपको बताते हैं, इधर एक है एफ डी फर्मी डिराक, एक है मैक्सवेल बोल्ट्जमैन, और एक है यहाँ पे नहीं, उसी स्लाइड पे लिखते हैं आपने, यहाँ पे लिखते हैं, ये देखो
तीन स्टैट अपने पास, एक है एफ डी फर्मी डिराक, एक है मैक्सवेल बोल्ट्जमैन स्टैटिस्टिक्स और एक है बोस आइंस्टीन बीई। ठीक है, जो ये वाली स्टैटिस्टिक्स है ये पाउलीज एक्सक्लूजन रूल को फॉलो करती है, पाउली के अपवर्जन के नियम को फॉलो करती है। और ये क्या करती है, ऊर्जा के सम विभाजन नियम को। क्यों सम विभाजन नियम को, क्योंकि अपने को पता है ऊर्जा का सम विभाजन नियम कैसा नियम होता है क्लासिकल फिजिक्स का। अब ये कैसे है मैं आपको बताती हूँ, ऊर्जा का सम विभाजन नियम। देखो अब ये क्लासिकल कैसे है? आपको याद होगा टॉपिक्स को रिलेट करना सीखो, आपको याद होगा मैंने आपको ड्यूलॉन्ग पार्टिट थ्योरी करवाई थी। ड्यूलॉन्ग पार्टिट थ्योरी किसके लिए थी, स्पेसिफिक हीट के लिए थी। उसमें सीवी की वैल्यू कितनी आ रही थी सॉलिड्स के लिए, 3R, जो कि क्या थी कांस्टेंट। अब वो कांस्टेंट आई, मैंने क्या बताया था ड्यूलॉन्ग पार्टिट लॉ कौन सा है, क्लासिकल थ्योरी ऑफ स्पेसिफिक हीट है। अगर ये क्लासिकल थ्योरी है तो आप उसके अजम्पशंस पे जाओ। उसने क्या माना था कि ऊर्जा के सम विभाजन नियम को फॉलो करेगा। सिमिलरली मैक्सवेल बोल्ट्जमैन का नियम भी ऊर्जा के सम विभाजन नियम को फॉलो करता है कि पार्टिकल्स की एनर्जी सेम रहती है, उसका अजम्पशन ये था। और ये किसको फॉलो करता है, पाउली के अपवर्जन नियम का, एक्सक्लूजन लॉ ऑफ पाउली, पाउली का अपवर्जन नियम। ठीक है, को फॉलो करेगा ये। और ये क्या करता है, ये है तो क्वांटम मैकेनिक्स की थ्योरी लेकिन पाउली अपवर्जन नियम को फॉलो नहीं करते। कौन से पार्टिकल, जो बोसोन्स हो, पाउलीज एक्सक्लूजन लो। तो डिफरेंस बताते टाइम आप एक चीज और लिखोगे कि ये तो क्लासिकल क्वांटम फिजिक्स की स्टेट है, ये भी क्वांटम स्टेट है, ये क्लासिकल स्टेट है। ये वाली जो स्टेट है ये पाउली के अपवर्जन नियम को फॉलो करती है, यानी क्वांटम मैकेनिक्स में पाउली का अपवर्जन नियम आता है ना, पाउली के अपवर्जन नियम को फॉलो करती है। बोस आइंस्टीन भी क्वांटम स्टेट है लेकिन वो पाउली के अपवर्जन नियम को वो पार्टिकल्स फॉलो नहीं करते। और ये ऊर्जा के सम विभाजन नियम को फॉलो करते। पाउली का अपवर्जन नियम क्या होता है, अगर आपको याद होते हैं केमिस्ट्री में आपने पढ़ा हुआ है, तो पाउली का जो अपवर्जन नियम होता है उसका मतलब ये होता है कि जो चारों क्वांटम नंबर्स होती हैं, प्रिंसिपल एजीमुथल मैग्नेटिक एंड स्पिन क्वांटम नंबर, इन चारों में से अगर किसी ऑर्बिट के अंदर अपने इलेक्ट्रॉन्स को डालते हैं तो उन चारों में से किसी ना किसी एक क्वांटम नंबर का डिफरेंट होना जरूरी होता है ना। चारों क्वांटम संख्याएं एक जैसी कभी नहीं होगी, कोई ना कोई एक क्वांटम संख्या अलग होती है, उसी को पाउली का अपवर्जन नियम बोलते हैं। ठीक है, तो ये डिफरेंस में आप लिखोगे। और एक अपने को पता है कैपिटल एन क्या होता है, कॉन्स्टेंट, जी आई क्या होती है कॉन्स्टेंट, और एन आई क्या होती है कॉन्स्टेंट, सॉरी एन आई इज नॉट कॉन्स्टेंट। ठीक है, तो ये चीजें हम हर में सेम कर रहे हैं। कैसे पार्टिकल लिए, इंडिस्टिंग्विशेबल आइडेंटिकल पार्टिकल लिए, स्पिन कैसा, हाफ और मल्टीप्लायर होगा, देयर इज नो रिस्ट्रिक्शन फॉर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पार्टिकल, कणों के वितरण में किसी प्रकार का कोई प्रतिबंध नहीं है। बड़ा निकाय लिया जिसके अंदर एन कण है, उसको हमने सेल्स के अंदर डिवाइड किया, सेल्स के अंदर डिवाइड करने के बाद क्या हुआ, कोई एक दो तीन चार पांच सेल्स बनी, और उन सेल्स के अंदर क्या किया, कणों को डालने में अपने में क्या माना कि पहली सेल के अंदर एन वन कण डाले, दूसरी के अंदर एन टू, तीसरी के अंदर एन थ्री, एंड सो ऑन, पार्टिकल्स चलते रहे। पहली सेल की ऊर्जा ई वन, दूसरी की ऊर्जा ई टू, एंड सो ऑन, एनर्जी है और डिवीजन जैसी जी वन जी टू जी थ्री एंड सो ऑन है। ठीक है, फर्मी डिराक क्लासिकल थ्योरी ना होकर क्वांटम है, बोस आइंस्टीन भी क्वांटम स्टेट है, मैक्सवेल बोल्ट्जमैन एक क्लासिकल थ्योरी है। ठीक है, फर्मी डिराक पाउली के अपवर्जन नियम को फॉलो करती है, मैक्सवेल बोल्ट्जमैन क्लासिकल ऊर्जा के सम विभाजन नियम को फॉलो करती है, और बोस आइंस्टीन पाउली के अपवर्जन नियम को फॉलो नहीं करती लेकिन ये क्वांटम स्टेट जरूर है। देखो अब इसको आगे करते हैं, इतना करने के बाद वहां पे हम थर्मोडायनेमिकल प्रोबेबिलिटी देते हैं। तो थर्मोडायनेमिकल प्रोबेबिलिटी क्या है, सो टोटल प्रोबेबिलिटी, देखो जिस टाइप के पार्टिकल्स लिए हैं उसी टाइप की प्रोबेबिलिटी लेते हैं। बोस आइंस्टीन में पार्टिकल कैसे थे, स्पिन उनका कैसा था, इंटीग्रल था, तो उसने कैसी ली थी, एन आई पाई आई, मैं प्रोबेबिलिटी को डब्ल्यू भी लिख देती हूँ, पी भी लिख देती हूँ, तो आप ध्यान रखना। ठीक है, एन आई प्लस जी आई माइनस वन अपॉन एन आई फैक्टोरियल जी आई माइनस वन फैक्टोरियल ली थी, है ना। और बोस आइंस्टीन ने क्या, सॉरी मैक्सवेल बोल्ट्जमैन ने स्टैटिस्टिक्स में ये क्या ली थी, थर्मोडायनेमिकल प्रोबेबिलिटी, पाई यहाँ पे नहीं था,
उसमें क्या था n फैक्टोरियल पाई आई जी आई की पावर एन आई अपॉन एन आई फैक्टोरियल पाई आई, यही ली थी ना। अब फर्मी रैंक में क्या है, टोटल प्रोबेबिलिटी की वैल्यू कुछ अलग है, मैं उसको P ले लेती हूँ चाहे W ले लो कुछ फर्क नहीं पड़ता, उसकी वैल्यू आती है पाई आई जी आई फैक्टोरियल अपॉन एन आई फैक्टोरियल जी आई माइनस वन फैक्टोरियल, ठीक है। ये आप याद रखोगे, तीनों में जब डिफरेंस बताते हो उस टाइप भी आप ये W की वैल्यूज भी लिखोगे कि इसके लिए थर्मोडायनेमिकल प्रोबेबिलिटी की वैल्यू ये, इसके लिए ये, इसके लिए ये, ठीक है। तो ये आपको याद रखना पड़ेगा, ये हर एक साइंटिस्ट ने अलग तरीके से लिया था, मतलब फर्मी डिराक में स्टैट में टोटल प्रोबेबिलिटी को अलग लिया था, बोस आइंस्टीन में टोटल प्रोबेबिलिटी अलग ली थी, मैक्सवेल बोल्ट्जमैन में टोटल प्रोबेबिलिटी अलग ली थी। इनका मैंने आपको बताया था कि प्रोसीडिंग इसके अंदर तो प्रोसीडिंग के लिए एक वैल्यू कम हो जाती है सब सेल की, यहाँ पे मैंने आपको निकाल के दिखाया था, और यहाँ पे सब सेल्स को ही बेस लेके चलते हैं क्योंकि पाउली के वर्जन नियम को फॉलो करते हैं, ठीक है। आप इसको सॉल्व करते हैं जैसे अपने वहां पे करते थे, अपने आप क्या लेते हैं लॉग ले लो, जैसे वहां पे अपने पास थर्मोडायनेमिकल प्रोबेबिलिटी आई थी तो मैंने लॉग लिया था, ये जी आई माइनस वन नहीं होता है, जी आई माइनस एन फैक्टोरियल होता है, ठीक है। अब मैं क्या लू लॉग पी ले लू, क्योंकि अब इसको सॉल्व भी कर सकते हैं, अगर वन आया होता माइनस में तब तो मैं पता था कि जी आई की वैल्यू हमेशा उससे ज्यादा होगी, यहाँ पे वन नहीं आया इसका मतलब जी आई अब इस फॉर्मूले के अंदर कुछ चेंजेस नहीं कर सकते, तो मैं सीधा लॉग ले लेती हूँ, लॉग पी इज इक्वल्स टू लॉग पी इज इक्वल्स टू पाई जिसमें कन्वर्ट होगा समीशन में, कैसे, जैसे पाई एन आई का मतलब क्या है एन वन इंटू एन टू इंटू एन थ्री इंटू एन फोर, जैसे आई इज इक्वल्स टू वन टू फोर, ठीक है। अगर इतना हो तो अगर मैं इसी अब लॉग एन पाई एन आई का लू, आई इज इक्वल्स टू वन टू फोर एन आई का मैं क्या लू लॉग लू, तो मुझे पता है वो क्या बनेगा, लॉग पाई आई की वैल्यू रख दो एन वन इंटू एन टू इंटू एन थ्री इंटू एन फोर, ठीक है। तो लॉग क्या बनेगा, यू इंटू वी का बन जाएगा, लॉग एन वन प्लस लॉग एन टू प्लस लॉग एन थ्री प्लस लॉग एन फोर। तो अगर ये बने तो यहां से मुझे पता चल रहा है इन सब में प्लस है, तो मैं इसको ऐसे लिख सकती हूँ क्या, समीशन ऑफ आई इज इक्वल्स टू वन टू फोर लॉग एन आई। तो जब लॉग लेते हैं पाई का वो किस में चेंज होता है, समीशन में। ये आपको मैंने सॉल्व करके दिखा दिया, वैसे मैंने आपको फर्स्ट डे भी सॉल्व करके दिखाया था जब मैंने मैक्सवेल बोल्ट्जमैन स्टार्ट करवाई थी, तो आप अब इसको ध्यान भी आपको रहने लग गया होगा अगर आप पिछले दो लेक्चर ढंग से भी देखे हैं। तो यहां से सीधा लिख दूं समीशन लॉग जी आई फैक्टोरियल, फैक्टोरियल चल रहा है माइनस, ये यू ये अपॉन वी चल रहा है, ठीक है। समीशन लॉग एन आई फैक्टोरियल, ये यू इंटू वी का काम करेगी, प्लस समीशन लॉग जी आई माइनस एन आई फैक्टोरियल, ठीक है। इन चीजों को मैं ऐसा साइड में करती हूँ, ठीक है। अब देखो अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे, अपने थोड़ा सा और सॉल्व करते हैं, माइनस का साइन से ही करते हैं, समीशन लॉग जी आई फैक्टोरियल माइनस समीशन लॉग एन आई फैक्टोरियल माइनस समीशन लॉग जी आई माइनस एन आई फैक्टोरियल। देखो दो स्टैट आपने ढंग से पढ़ी है ना, स्टर्लिंग का फॉर्मूला लगा के उसका डिफरेंशिएशन करते हैं आपने, तो आप अगर ये घर पे बैठ के भी करोगे ना आपसे ये सॉल्व हो जाएंगे, अगर आप पिछले दो लेक्चर कर रहे हो, और अगर आपने पिछले दो लेक्चर देखे हैं तो आप मेरे हिसाब से आप इस वीडियो को एक बार यहाँ पे रोक के आप खुद इसको सॉल्व करो और देखो कि आपका एंड रिजल्ट जो मैं एंड रिजल्ट निकालती हूँ वो आता है या नहीं आता, ठीक है। तो अब अपने को पता है अपने क्या लगाएंगे, स्टर्लिंग का फॉर्मूला, स्टर्लिंग अप्रोक्सीमेशन लिख लो चाहे फॉर्मूला लिख लो एक ही बात होती है, उसकी वैल्यू क्या है एक्स सॉरी लॉग एक्स फैक्टोरियल कितना आएगा, एक्स लॉग एक्स माइनस एक्स। तो ये फॉर्मूला जब मैं यहाँ पे लगाऊंगी लॉग पी इज इक्वल्स टू समीशन ऑफ लॉग जी, वो लाइन को मैं यहाँ पे वापस लिख रही हूँ ताकि
हमें पता चल जाए हम किस पे स्टर्लिंग का फॉर्मूला लगा रहे हैं। ये मैंने वापिस लिखी है, ठीक है। माइनस समीशन लोग एन आई फैक्टोरियल माइनस समीशन लोग जी आई माइनस एन आई फैक्टोरियल, ठीक है। ये चीज है, इसके ऊपर मैं अब ये स्टर्लिंग का फॉर्मूला अप्लाई करूंगी। जो मैं स्टर्लिंग का फॉर्मूला अप्लाई करूंगी तो लोग भी ये लोग जी आई फैक्टोरियल, अब इसकी वैल्यू क्या आएगी, ये फॉर्मूला लगाओ एक्स लोग एक्स माइनस एक्स, यानी एक्स की जगह यहाँ पे क्या है जी आई, तो जी आई लोग एक्स लोग जी आई माइनस जी आई, यही चीज बनेगी, ठीक है ना। माइनस समीशन, अब यहाँ पे एक्स की जगह क्या है एन आई, तो एन आई लोग एन आई माइनस एन आई खुल गया, फैक्टोरियल लोग फैक्टोरियल खुला, माइनस समीशन जी आई माइनस एन आई, अब एक्स की जगह लोग जी आई माइनस एन आई माइनस जी आई माइनस एन आई, ये चीज है। अब इसको माइनस का मल्टीप्लाई करते हैं, जिस तरीके से भी ये सॉल्व होगा वो करते हैं। समीशन जी आई लोग जी आई माइनस समीशन जी आई लिख दो माइनस समीशन, अब इस पे लगाऊं तो एन आई लोग एन आई, अब माइनस इंटू माइनस इज प्लस, तो यानी प्लस समीशन एन आई माइनस समीशन जी आई माइनस एन आई लोग जी आई माइनस एन आई माइनस इंटू माइनस इज प्लस कर दू, ठीक है ना। और अगर ये साइन में खोलूं तो ये माइनस इसको खोलूं अगर मैं, तो जी आई प्लस एन आई बनेगा ना। अब मैं इसको माइनस से मल्टीप्लाई करती हूँ तो मुझे पता है माइनस जी आई इंटू माइनस माइनस इंटू माइनस जी आई दैट इज प्लस जी आई, समीशन चल रहा है प्लस समीशन ऑफ जी आई, माइनस इंटू प्लस इज माइनस दैट इज समीशन ऑफ माइनस में एन आई, अब माइनस एन आई प्लस एन आई कैंसल आउट, प्लस जी आई माइनस जी आई कैंसल आउट, तो लोग पी की हमारे पास क्या वैल्यू बनी, लोग पी इज इक्वल्स टू समीशन ऑफ जी आई लोग जी आई माइनस समीशन ऑफ एन आई लोग एन आई माइनस, यही चीज बची, समीशन ऑफ जी आई माइनस एन आई लोग जी आई माइनस एन आई, तो ये चीज बची, ये फाइनल इक्वेशन बनी है। अब अपने इसको और आगे सॉल्व नहीं कर सकते तो फिर अपने आप इस इक्वेशन पे क्या करते होते हैं, आपको स्टेप सब याद रहने चाहिए। अब हमने क्या लेते हैं इसका डिफरेंशिएशन करने पर, डिफरेंशिएटिंग अबव इक्वेशन, अगर मैं इस इक्वेशन को डिफरेंशिएशन करूं तो मुझे पता है फॉर मैक्स फॉर मोस्ट प्रोबेबल स्टेट, मोस्ट प्रोबेबल स्टेट एक ऐसी स्टेट होती है जिस पर प्रोबेबिलिटी की वैल्यू क्या होती है मैक्सिमम। मैंने आपको बताया था कि हमारे पास n पार्टिकल्स हैं, दो बॉक्स में बांटने हैं, एक a में और एक b में, ठीक है। अगर हमारे पास n पार्टिकल्स हो, एक बॉक्स a है और एक बी, अब मेरे पास इसके लिए मोस्ट प्रोबेबल स्टेट क्या आएगी कि दोनों के अंदर आधे आधे कण डाल दो तो इससे प्रोबेबिलिटी की वैल्यू क्या आएगी, मैक्सिमम आती है, ठीक है। और अगर मैं इस एन पार्टिकल्स को क्या करूं, दो बॉक्स में डाल लें, एक ए है और एक बी, अब एक को मैं खाली छोड़ दूं, एक में पूरे एन डाल दूं, और या इसको खाली छोड़ दूं इसमें पूरे एन डाल दूं, यानी जीरो कोमा एन या एन कोमा जीरो की सिचुएशन बोलूं, तो इसको लीस्ट प्रोबेबल स्टेट बोलते हैं। मैं आपको पहले ही बता चुकी हूं इसमें प्रोबेबिलिटी की वैल्यू क्या होती है, मिनिमम आती है, ठीक है। ये मैक्स मोस्ट प्रोबेबल स्टेट पे प्रोबेबिलिटी की वैल्यू मैक्सिमम आती है, मतलब कोई ना कोई वैल्यू आएगी, और वैल्यू की वैल्यू हमेशा क्या होती है, कांस्टेंट आती है, चाहे वैल्यू चार आए चाहे पांच आए, लेकिन वो कांस्टेंट रहेगी। सो फॉर मोस्ट प्रोबेबल स्टेट डेल्टा लॉग पी क्या आएगा, जीरो, ठीक है। तो मैं इसी तरह यहाँ पे लिख देती हूँ, जीरो इज इक्वल्स टू, ये जो इक्वेशन है इसका क्या करते हैं, डिफरेंशिएशन करते हैं, ठीक है। डिफरेंशिएटिंग, तो मैंने डिफरेंशिएशन का साइन लगा दिया, जी आई लोग जी आई माइनस समीशन ऑफ एन आई माइनस समीशन ऑफ जी आई माइनस एन आई लोग जी आई माइनस एन आई, इसका क्या करना है, हमें डिफरेंशिएशन करना है।
जब मैं इस इक्वेशन का डिफरेंशिएशन करती हूँ तो मुझे पता है जीरो इज इक्वल्स टू। मैं एक चीज आपको हर बार बता रही हूँ कि ये चीज आप हमेशा याद रखो, कैपिटल एन क्या रहेगा, कॉन्स्टेंट, जी आई क्या रहेगी, कॉन्स्टेंट, और एन आई क्या रहेगी, नॉट कॉन्स्टेंट। क्यों? क्योंकि एक सेल में कितने गन डालने हैं ये हमें कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं डाली गई है। तो अगर ये नॉट कॉन्स्टेंट है तो यहाँ पे हम किसी कॉन्स्टेंट वाले टर्म को अप्लाई करती हूँ, ये जी आई कॉन्स्टेंट है, मैं कॉन्स्टेंट का डिफरेंशिएशन करूंगी तो क्या आएगा, जीरो आएगा। तो यहाँ पे मैं क्या करूँ, इसका मैं सीधा लिख दू जीरो माइनस, चाहे इस वाले जी आई का करूँ चाहे लॉग जी आई का करूँ, एंड में तो देखो ये करूँ मैं डेल्टा जी आई करूँ, डेल्टा जी आई तो जीरो है ना। तो अगर मैं इस वाले जी आई का कर दूँ तो ये पूरी टर्म जीरो, अगर मैं यहाँ पे एक जी आई छोड़ू लॉग का करूँ वन अपॉन जी आई फिर से डेल्टा जी आई बनेगा तो वो भी जीरो। तो इन दोनों की वैल्यू जीरो आएगी, इसीलिए मैंने सीधा यहाँ पे जीरो लिख दिया। ठीक है, माइनस समीशन डेल्टा एन आई, क्या कर रही हूँ, पहले एन आई का कर रही हूँ फिर लॉग एन आई का करूंगी, जब एन आई का करूंगी तो लॉग एन आई कॉन्स्टेंट, माइनस यहाँ पे प्लस आएगा यू इंटू वी का चल रहा है, समीशन एन आई इंटू लॉग का करूंगी तो वन अपॉन एन आई डॉट डेल्टा एन आई, एन आई टू एन आई कैंसल, बंद ब्रैकेट। ठीक है, ये चीज मैं रब कर दू, माइनस, अब इसका करते हो समीशन, जब मैं इस वाली टर्म का करूंगी सिर्फ इस वाली का, जब मैंने इसका किया और इसको एज अ कॉन्स्टेंट रखा तो मुझे पता है जी आई का करूंगी तो जीरो, एन आई का करूंगी तो डेल्टा एन आई लिख दूंगी, क्योंकि एन आई कॉन्स्टेंट नहीं है और नॉन कॉन्स्टेंट चीज का डिफरेंशिएशन जीरो नहीं आता, लॉग जी आई माइनस एन आई। अब मैं क्या करूं, इसका करती हूँ, इसको एज अ कॉन्स्टेंट छोड़ती हूँ तो प्लस डिफरेंशिएशन करते टाइम जी आई माइनस एन आई इंटू लॉग एक्स का होता है कितना होता है वन अपॉन एक्स, है ना, लॉग एक्स का वन अपॉन एक्स, तो ये एज अ एक्स जी आई माइनस एन आई इंटू जीरो माइनस डेल्टा एन आई बचा। अब एक्स का भी तो करते हैं तो ये तो टर्म आपस में कैंसिल आउट होगी, यहाँ पे मेरे पास क्या बचा सिर्फ माइनस में समीशन डेल्टा एन आई, तो जीरो इज इक्वल टू, अब इसको सॉल्व करती हूँ, माइनस समीशन ऑफ एन आई लॉग एन आई प्लस, प्लस की जगह माइनस, माइनस इंटू प्लस माइनस समीशन ऑफ डेल्टा एन आई माइनस ये वाला टर्म, ये माइनस इंटू माइनस बड़ा है, ये वाले माइनस का मल्टीप्लाई होगा तो प्लस बन जाएगा, तो यानी कि मैं प्लस लिख दूं समीशन ऑफ डेल्टा एन आई लॉग जी आई माइनस एन आई। ठीक है, अब माइनस इंटू प्लस इज अगेन माइनस, यहाँ पे क्या बचा एक और माइनस का डेल्टा एन आई पड़ा, तो माइनस इंटू माइनस एक और माइनस इंटू माइनस बनेगा तो प्लस का समीशन ऑफ डेल्टा एन आई बना, कैसे बना, जब ये माइनस इंटू प्लस हुआ तो यहाँ पे माइनस बना, बाहर माइनस रह गया और अंदर एक और माइनस का डेल्टा एन आई बना, तो माइनस माइनस इंटू माइनस इज प्लस, तो प्लस का डेल्टा एन आई माइनस का डेल्टा एन आई कैंसिल हो गया। अब जो चीजें बची हम वो लिख लेते हैं, मेरे पास क्या बना जीरो इज इक्वल टू माइनस समीशन ऑफ एन आई लॉग एन आई प्लस समीशन ऑफ, देखते हैं क्या चीज बची इधर, प्लस में क्या बना डेल्टा एन आई समीशन ऑफ लॉग जी आई माइनस एन आई, डेल्टा एन आई लॉग जी आई माइनस एन आई, इसको थोड़ा सिंपल करके लिखूं, मेरे पास पता है मुझे डेल्टा एन आई कॉमन आ रहा है समीशन में, तो मैंने समीशन डेल्टा एन आई कॉमन लूं तो यहाँ पे माइनस लॉग एन आई प्लस लॉग, ये चीज कॉमन आई ना इन दोनों में, यहाँ पे डेल्टा था एक, ठीक है, जी आई माइनस एन आई डेल्टा एन आई, देखो यहाँ पे मैंने डेल्टा लगाया, ये रहा वो डेल्टा, ये ऊपर यहाँ पे भी लगाना भूल गया अपने, यहाँ पे ये वाला डेल्टा एन आई का। ठीक है, तो अब देखो ये लॉग यू माइनस लॉग वी दैट इज लॉग यू अपॉन वी, तो जीरो इज इक्वल्स टू समीशन लॉग u अपॉन v कर दो जी आई माइनस एन आई अपॉन एन आई डेल्टा एन आई, यही चीज बनी, ये इक्वल के जीरो में है, इसको मैं क्या दे लेती हूँ, कोई इक्वेशन दे लेती हूँ,
अगर अपनों ने कोई इक्वेशन दी है तो ठीक है, नहीं तो इसको आप इक्वेशन नंबर वन दे लेना, वैसे इसका कोई यूज नहीं है हमारे पास। अब इसको इक्वेशन नंबर टू दे, ठीक है। नाउ वी नो पार्टिकल्स रिमेन कंजर्व, क्योंकि बड़े सिस्टम में को छोटे सिस्टम्स में डिवाइड किया, लेकिन पार्टिकल्स को बाहर निकाल के कहीं और नहीं रखे, तो फॉर कंजर्वेशन ऑफ पार्टिकल, ये चीज मैं हर टॉपिक में सेम ही कर रही हूँ, कंजर्वेशन ऑफ पार्टिकल्स। तो मुझे पता है पार्टिकल्स कंजर्व रहेंगे, दैट इज कैपिटल एन इज इक्वल टू एन वन प्लस एन टू प्लस एन थ्री प्लस सो ऑन इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट रहेंगे, क्योंकि टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल्स कितने हैं वो हमें पता है, कैपिटल एन कॉन्स्टेंट होता है वैसे भी। तो कैपिटल एन इज इक्वल टू समीशन ऑफ एन आई इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट लिख दूं। अगर मैं अब इस इक्वेशन का डिफरेंशिएशन करूं, डेल्टा कैपिटल एन इज इक्वल टू समीशन ऑफ डेल्टा एन आई, इसका क्या हो जाएगा, जीरो, क्योंकि कॉन्स्टेंट का डिफरेंशिएशन क्या होता है, जीरो। इसको कोई इक्वेशन नंबर दे लो ए, हर बार इसको इक्वेशन नंबर ए दिया, हाँ आज इसको हम लिखने में थोड़ा लेट हो गए, तो अब इसको यहाँ पे लिख देते हैं कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, क्योंकि अपने को पता है बड़े सिस्टम में पार्टिकल्स उतने हैं जितने छोटी छोटी सेल्स में टोटल गए हैं, तो एनर्जी भी कंजर्व रहेगी ऊर्जा संरक्षण के नियम से। कैपिटल ई इज इक्वल टू एन वन ई वन प्लस एन टू ई टू प्लस एन थ्री ई थ्री प्लस सो ऑन, यानी कि कैपिटल एन, ये क्या, ये भी क्या रहेगी, कॉन्स्टेंट रहेगी, इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट। कैपिटल एन इज इक्वल टू समीशन ऑफ एन आई ई आई, ये भी क्या रहेगा, कॉन्स्टेंट रहेगा। अगर ये कॉन्स्टेंट है तो अपने को पता है इसका मैं फिर से जब डिफरेंशिएशन करूंगी तो क्या आएगा मेरे पास, डेल्टा ई इज इक्वल टू समीशन ऑफ डेल्टा एन आई ई आई इज इक्वल टू जीरो। क्यों, क्योंकि कॉन्स्टेंट का डिफरेंशिएशन क्या होता है, जीरो। ये आई इक्वेशन नंबर बी। अब आपको अगला स्टेप भी पता हूं, अगला स्टेप क्या करेंगे, इक्वेशन ए इंटू अल्फा और इक्वेशन बी इंटू बीटा करेंगे, है ना। तो मैं सीधा वो स्टेप लिख दूं, अब आपको ये अंडरस्टूड है कि मैं क्या करती हूँ इसके अंदर, आगे अपने क्या करते होते हैं। तो मैं क्या करती हूँ, इक्वेशन नंबर टू दो में से इन दोनों को माइनस कर देती हूँ हमेशा, क्योंकि ये इज इक्वल टू, अगर इस इक्वेशन में मैं किन्हीं दो जीरो को माइनस कर दूं तो मेरे पास कोई फर्क नहीं पड़ेगा, इक्वेशन वही की वही रहेगी और इनकी वैल्यू भी जीरो, मैंने किसी अल्फा बीटा कॉन्स्टेंट से मल्टीप्लाई कर दिया। इन तीनों स्टेट को सॉल्व करने के सभी स्टेप सेम थे, किसी में कोई तरीके का चेंजेस नहीं आया, बस हाँ थर्मोडायनेमिक प्रोबेबिलिटी अलग अलग है क्योंकि पार्टिकल्स अलग अलग है। तो इक्वेशन नंबर टू माइनस ए इंटू अल्फा माइनस इक्वेशन नंबर बी इंटू बीटा। तो इक्वेशन नंबर टू मुझे बताओ क्या है, समीशन ऑफ लॉग जी आई माइनस एन आई अपॉन एन आई डेल्टा एन आई, यही चीज थी क्या इक्वेशन नंबर टू, ये जी आई माइनस एन आई अपॉन एन आई डेल्टा एन आई लिख दिया माइनस। इक्वेशन नंबर ए क्या, अल्फा इंटू समीशन ऑफ डेल्टा एन आई, ये लिख सकती हूँ। डेल्टा एन आई क्यों लिखते हैं, क्योंकि डेल्टा एन आई सब में कॉमन आ जाता है और ये जीरो के इक्वल था, तो जीरो इंटू समथिंग जीरो और जीरो माइनस कर दो तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, इंटू बीटा समीशन डेल्टा एन आई इंटू ई एन, ये भी किसके इक्वल आएगा, जीरो के, क्योंकि ये भी इसके माइनस में दो जीरो की है, तो अगर इस इक्वेशन के माइनस में दो जीरो कर दो तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो यहाँ से क्या आएगा, समीशन ऑफ डेल्टा एन आई, यहाँ पे भी पड़ा है, यहाँ पे भी पड़ा है, यहाँ पे भी पड़ा है, तो सब में कॉमन आ गया। तो मैं आपको सीधा लिख दूं, लॉग जी आई माइनस एन आई अपॉन एन आई माइनस अल्फा माइनस बीटा ई आई, समीशन बाहर है, डेल्टा एन आई सब में कॉमन इज इक्वल टू जीरो। देन व्हाट वी कैन राइट, अपने क्या लिख सकते हैं, लॉग जी आई माइनस एन आई अपॉन एन आई माइनस अल्फा माइनस बीटा ई आई किसके इक्वल आएगा, जीरो के। तो यहां से मैं क्या लिख सकती हूँ, लॉग जी आई माइनस एन आई अपॉन एन आई इज इक्वल टू अल्फा प्लस बीटा ई आई लिख दूं। तो यहां से देखो मेरे पास क्या चीज बनेगी, इधर लिख रही हूँ, ठीक है। अगर मैं अब इस इक्वेशन का क्या ले लूं, एंटी लॉग ले लूं, एंटी लॉग लेने पर बाय टेकिंग एंटी लॉग तो मुझे पता है क्या बनेगा, जी आई माइनस एन आई अपॉन एन आई इज इक्वल टू ई की पावर अल्फा प्लस बीटा ई आई, यही चीज बनेगी। अब देखो एन आई का दोनों में डिवाइड लगाओ तो मेरे पास क्या बचेगा, जी आई अपॉन एन आई प्लस वन, सॉरी माइनस वन, नॉट प्लस वन,
एन आई अपॉन एन आई माइनस का हो जाएगा ना वन इज इक्वल्स टू ई की पावर अल्फा प्लस बीटा ई आई। तो यहां से मेरे पास क्या बनेगा जी आई अपॉन एन आई, ई की पावर अल्फा प्लस बीटा ई आई प्लस का वन, ये माइनस का वन उधर जाएगा प्लस का वन बचेगा। तो यहां से मैं अब ऊपर लिख रही हूं इधर, ठीक है। तो यहां से एन आई क्या बनेगा जी आई अपॉन ई की पावर अल्फा प्लस बीटा ई आई प्लस वन। तो यानी कि एन आई की वैल्यू क्या आएगी जी आई अपॉन ए इंटू ई की पावर बीटा ई आई प्लस वन। तो यहां से आता है टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल्स और एनर्जी के बीच में एक रिलेशन, इसी से पता चलता है जो तीनों स्टैट का काम था ये आई क्यों थी कि एनर्जी पार्टिकल्स को किस तरीके से डिस्ट्रीब्यूट है वो देखने के लिए। तो यहां से इसकी वैल्यू आती है ये। तो अगर हम मैक्सवेल बोल्ट्जमैन तीनों में डिफरेंस आए तो तीनों में डिफरेंस लिखते टाइम क्या लिखोगे, तीनों में जब आप डिफरेंस लिखोगे ये एमबी, ये है बोस आइंस्टीन बीई और ये एफटी। तो सबसे पहला डिफरेंस क्या है, ये क्लासिकल फिजिक्स को फॉलो करती है और ये दोनों किसको करती है क्वांटम फिजिक्स को, ये भी किसको करती है क्वांटम फिजिक्स को। दूसरा डिफरेंस यहाँ पे पार्टिकल कैसे थे भेद्य हैं और इसमें कैसे थे अभेद्य हैं और इसमें भी कैसे हैं अभेद्य हैं, यही है चौथी तीसरी चीज। स्पिन कैसा हो कुछ भी, मैक्सवेल बोल्ट्जमैन ने ये माना था ना, और यहाँ पे कैसा हो पूर्णांक, यहाँ पे कैसा हो हाफ ओड मल्टीप्लायर, यहाँ पे W की वैल्यू क्या आई n फैक्टोरियल पाई आई जी आई की पावर एन आई अपॉन पाई आई एन आई फैक्टोरियल, यहाँ पे W की वैल्यू क्या आई है बोस आइंस्टीन चल रही है एन आई प्लस जी आई माइनस वन फैक्टोरियल अपॉन एन आई फैक्टोरियल जी आई माइनस वन फैक्टोरियल, और ये भी कैसा है पाई आई में, और यहाँ पे W की वैल्यू क्या आई है जी आई फैक्टोरियल अपॉन एन आई फैक्टोरियल जी आई माइनस वन का फैक्टोरियल, किसमें पाई आई में। चौथी चीज क्या क्या आया, ये ऊर्जा के सम विभाजन नियम सम लिख रही हूं मैं, ठीक है। और ये किसको पाउली अपवर्जन नियम को फॉलो करेगा या नहीं, नहीं करेगा, और ये किसको करेगा पाउली अपवर्जन को फॉलो करेगा। तो जब पांचवा डिफरेंस छठा डिफरेंस लिखोगे तो इसमें एन आई की जो वैल्यू आई थी वो लिखोगे, यहाँ पे एन आई की जो वैल्यू आई थी वो लिखोगे, यहाँ पे एन आई की वैल्यू जो आई थी वो लिखोगे। तो ये डिफरेंस भी पेपर में आता है और तीनों स्टैट भी यहाँ पे होगी है कंप्लीट, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, बाकी अपने नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस लेक्चर।